आज हमने एक रिकॉर्ड कैम किया है, ये मेरे लिए तो पहली बार है। और ये देखें, लोगों की गाड़ियाँ और बाइक्स बाहर खड़ी हुई है और अपनी आज अंदर ही लैंदी है, बेडरूम के बीच कमरे के कोल। तो सामान उतारने की मेरे ख्याल ज़रूरत ही नहीं है, जब बाइक अंदर आ गई है तो। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त तरगई शहर के क्रॉस करके आगे खड़ा हुआ हूँ। ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे छोटी सी मैंने ब्रेक ली थी, थोड़ी पेट पूजा की, यहाँ पे स्टीम वगैरह पी है, बाइक ये खड़ी हुई है। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ अंदर जाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि ये दरगई शहर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अभी ये गाँव एक आ गया है, मोड़ है, और यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। पहाड़ियाँ वैसे तो जो दरगई शहर है उसके सीधे हाथ पीछे से शुरू हो गई थी, और एक साफ़ सुथरा नाला बर्फ़ के पानी वाला, चश्मों के पानी वाला, वो भी शहर के अंदर से गुजरता है, लेकिन यहाँ से बाकायदा पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं। मालाकंड डिस्ट्रिक्ट मालाकंड है ये, और दरगई उसकी तहसील है, यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मूसा _1, यहाँ पे इससे शवारमा मिलता है, इसके अलावा बर्गर वगैरह मिलते हैं। तो बर्गर मैंने खाया, वो कैसे खा रहा आपको दिखाता हूँ मैं। ये बाहर बैनर बैठने की जगह मिलती है, आपको भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप अपना तारुफ करवाएं, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएं और जगह के बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम कामरान है और दरगे से ताल्लुक है हमारा, थोड़ा सा ऊंचा करा, दरगे से ताल्लुक है हमारा, और रेस्टोरेंट का नाम है मूसावन और मलकंड दरगे, ये खाजरा चौक है पीरान, और बस ये मूसावन का नाम है। और शोरमा बर्गर का काम करता हूँ, इसको देखे बर्गर का काम है, शोरमा और बर्गर का ये काम वाम करता हूँ। हमारे पास पंजाबी दो बंदे जी, लेकिन अब ये छुट्टी पे गया, इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये जनाब देखिए, यहाँ पे शवरमा वगैरह बनता है, ये सारा, ये चिकन पड़ा हुआ है, ये बाकी सामान, और ये तहीना, उन्होंने बनाया, अरबी में तहीना बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, मायनीज, इसको मायनीज, हाँ तहीना मायनीज एक ही चीज़ है, मैं तो अरबी में तो जानता हूँ, ये मायनीज बनाई हुई है इन्होंने स्पेशल, वैसी नहीं है जैसे मार्केट से मिलती है, वैसी नहीं है, नहीं नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं। अभी बर्गर के साथ मैंने खाई है, बहुत मजा आया, बड़ी लाजवाब चीज़ है, खुद बनाते हैं ये स्पेशली, हम लोग बनाते हैं, सलाद है, रोटी है, अभी चिकन कट कर दिया है, और साफ सुथरी जगह है। हाँ, तो अगर आप कभी भी मर्दान वाली साइड से स्वाद की तरफ जा रहे हो तो ये दरगई शहर के आगे ये मूसावन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रुकिए, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे खाइए, बर्गर खाइए, यहाँ पे पानी शानी पीजिए, बड़ी खूबसूरत जगह है, साफ सुथरी जगह बिल्कुल, और यहाँ से आगे पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पे एक स्टॉक बनते हैं यहाँ पे। तो भाई ने दूसरे नंबर आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पानी पिया है और ये बर्गर वगैरह खाया, तो भाई ने मेरे से पैसे नहीं लिए, वो जैसे शुमाली इलाकों में होता है वो सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है, तो भाई पैसे नहीं ले रहे, तो कह रहे हैं मेहमान है जो भी है। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, जी जी। और दूसरे नंबर पर भाई, जो आपने सब्सक्राइबर भी बन गए हैं, अपना चैनल अपना सब्सक्राइब कर लिया है, अपने वीडियोज़ देखा करेंगे ये इंशाल्लाह, और इनका रेस्टोरेंट आ गया वीडियो के अंदर, तो ये तुम देख रहे हैं, आपने वीडियो देख के नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि मैं कामरान बात कर रहा हूँ, कामरान हूँ दरगई से, सही है, आप यहाँ पे आए थे रुके थे, ठीक हो गया जी, ठीक है जी, और तो जनाब यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, अभी हम जाएंगे आगे मालाकंड टॉप की तरफ। नाजरीन, हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं, पहाड़ के थोड़ा मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, वो सामने रोड नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, मालाकंड टॉप की तरफ जा रहा हूँ मैं ऊपर, शाम का टाइम है लेकिन काला धुआं, काला
देखो शाम हो रही है, लेकिन अगर मैं मिंगोरा तक पहुँच जाऊँ तो बेहतर है। वैसे यहाँ पर रुकने का था चांस, तो जिस रेस्टोरेंट में मैंने बर्गर खाया जहाँ पर रुका था, वो भाई बड़ा फोर्स कर रहा था कि मैं उसके घर पे रुक जाऊँ, लेकिन वो मैंने मुनासिब नहीं समझा। एक तो उसने खाने के पैसे नहीं लिए और बड़ी रिस्पेक्ट की उसने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि मैं आप घर में रुकूँगी। बहुत इंसिस्ट किया उसने, लेकिन मैं नहीं रुका। तो अभी चलते हैं आगे इंशाल्लाह। रोड बहुत अच्छे आगे, रोड की कंडीशन बड़ी है ज़बरदस्त। उम्मीद है इंशाल्लाह मिंगोरा तक पहुंच जाऊंगा मैं। अपने पास पूरा बंदोबस्त है, फॉग लाइट्स हैं, अच्छी लाइटें लगी हुई है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन देखते ही देखते मैं पहाड़ की चोटी के ऊपर आ गया हूँ। ये नीचे आप मंजर देखें ज़रा, वो दरगई शहर नीचे उस साइड पे पीछे बल्कि पहाड़ी के रह गया, वहाँ पर रुका था, वहाँ मैंने स्टे किया था। शाम हो रही है अभी, सूरज जो है इन पहाड़ों के पीछे गरूब हो रहा है। और इस तरह मैंने जाना है आगे मालाकंड पास की तरफ मैं जा रहा हूँ। और ये नीचे देखें, ये गाँव या देहात दरगई का एरिया है ये। और ये बाइक खड़ी हुई है अपनी, इस जगह से उस एरिया से मैं आया हूँ वापस इस तरफ ऊपर। ये एक गन्ने के जूस का स्टॉल है। सलाम अकबर भाई, कैसे हो? ये रोड इस तरफ से आ रहा है और वो देखें, ये सारा आपकी नीचे से चढ़ाई चढ़ के सारी, वहाँ से मैं ऊपर आ गया हूँ। और थोड़ी थोड़ी धुंध यहाँ पे है, तो मैंने सोचा शाम हो रही है, बाद में हो सकता है कि दिन की रोशनी में दोबारा बात ना हो सके, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले, वैसे तो यहाँ पर मैं हूँ 2-3 दिन के लिए, तो सारे एरिया को कवर करना, भी तो पहाड़ शुरू हुए हैं, सारे पहाड़ आगे पड़े हुए हैं। तो चलते हैं आगे और आगे कोशिश करते हैं कि मिंगोरा या सैदो शरीफ वहाँ तक पहुँच जाएँ दिन की रोशनी में।
तो जनाब मैं बटखेला पहुंच गया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है बटखेला और ये साथ में दरिया है। गालबन ये दरिया सवात है, गालबन ये दरिया सवात है। बाकी पूछते हैं, ये भाई सामने आ रहे हैं इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये दरिया सवात है? ये दरिया सवात है? दरिया सवात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे जाता है हम, ये इस जगह से सही नज़र नहीं आती। तो ये जनाब बटखेला का बाजार है, बटखेला है, सामने ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाने आगे स्वाद की तरफ, और ये दरिया स्वाद ही है। वो देखें माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है पानी के ऊपर, जैसे सऊदी अरबिया जद्दा में एक मस्जिद बनी हुई पानी के ऊपर है। इसके अलावा उतरा जाए मलेशिया में एक मस्जिद है पानी के ऊपर, बहुत खूबसूरत, और ये भी दरिया के अंदर पानी के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। दरिया स्वाद बटखेला, तो चलिए चलते हैं कि स्वाद की तरफ, ज़्यादा सफ़र नहीं है यहाँ से, और देखते हैं रास्ते में कि रुकना रुक जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जा सकते हैं तो थोड़ा ट्रैवल अभी और करते हैं। आइए आइए, अरे नहीं हम ब्रिज से उधर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल सीधा जाएंगे। वो मैंने गाड़ियाँ जाते हुए देखी तो मैंने बोल दिया, लेकिन उस तरफ नहीं जाना बल्कि हमने सीधा ही जाना है। मेडिकल दूर तक रश हो रश है भाई। तो नाज़रीन मैं बटखेला में रुका हूँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया यहाँ पे, चाय की ब्रेक थी। मेरा ख्याल था कि बटखेला छोटा सा शहर होगा और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, और क्योंकि साइडों पे पहाड़ियाँ हैं तो लंबा लंबा शहर है, तो शहर की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, शहर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से शहर ख़त्म हुआ। मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद चाय बोला सोचा मैंने पीते हैं यहाँ पे। तो छोटा सा रोड है, ट्रैफिक उसके बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ पर रुका हूँ मैं। ये महफिल होटल है जी बटखेला शहर के, थोड़ा सा बाहर बटखेला में ही आता है। वो सामने बाइक खड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रही अपनी बाइक खड़ी हुई है, ये महफिल होटल है, यहाँ चाय पिए 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी स्वाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, रात के वक्त सफ़र करना जो है वो मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन ज़्यादा फासला नहीं है, रोड तकरीबन ठीक है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि स्वाद तक पहुँच जाए। जनाब मैं स्वाद पहुंच गया हूं, ये मैं स्वाद के बाजार में हूं इस वक्त, और शाम के तकरीबन 8:15 बज रहे हैं इस वक्त। अब यहां पर कोई होटल देखते हैं, वैसे तो मेरा इरादा था कैंपिंग करने का, लेकिन आज कैंपिंग तो नहीं हो सके कि शाम हो गई है, कैंपिंग के लिए पहले जगह देखनी पड़ती है, उसके बाद कैंपिंग वहां पे कर सकते हैं। आज की रात यहाँ पे होटल में रुकते हैं और कल से इंशाल्लाह कैंपिंग का कोई हिसाब किताब लगाएंगे यहाँ पे। कल शायद मैं कलाम जाऊँगा यहाँ से। आज मोटरसाइकिल सीधा अंदर ही ले जाना। कपड़े धो के सुकने पाए नहीं इतने। वही है आ जा। हेलो,
तो जनाब वेलकम टू मिंगोरा ताजमहल होटल। ये रूम मिला है, अभी सामान रख ले अंदर, फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद। ये है जी होटल यहाँ मिंगोरा में जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, और अभी आपको दिखाते हैं। आज हमने एक रिकॉर्ड कैम किया है, ये मेरे लिए तो पहली बार है। और ये देखें लोगों की गाड़ियाँ और बाइक्स बाहर खड़ी हुई है, और अपनी आज अंदर ही लैंदी है बेडरूम के कमरे के कोल। तो सामान उतारने की मेरे ख्याल ज़रूरत ही नहीं है, जब बाइक अंदर आ गई है तो। यहाँ पे हम सोएंगे, ये पास बाइक खड़ी हुई है, सब कुछ कोल कोल ये सारा कुछ। तो जनाब मैं स्वाद पहुँच गया हूँ यहाँ मिंगोरा में, मैंने होटल ले लिया है, बाइक भी अंदर आ गई है और मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शाम के वक्त ट्रैवल किया, 8:30 बज रहे हैं, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। तो रिस्क मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं था, रोड मेरा ठीक था। बाकी कल से लेके स्वात वैली को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, कल सुबह से लेके आज तो अंधेरा हो गया था, रास्ते में कुछ नज़र नहीं आया। मिंगोरा को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, कलाम जाएंगे, मालम जब्बा जाएंगे और देखेंगे और यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। स्वात में आ गया हूँ, वैली को एक्सप्लोर करेंगे, बड़ा खूबसूरत इलाका है। और इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करके अभी यहाँ पर पहुँच गया मैं, अभी नहाऊँगा, फ्रेश होगा, खाना शाना खाऊँगा। 8:30 बज रहे हैं, वैसे भी कुछ और ज़रूरी काम है करने वाले, जो डेली मैंने करने होते हैं वो करूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा ताकि नींद पूरी हो, सुबह उठूँ। सुबह मेरा ख्याल हो सकता है कि मैं पहले कलाम जाऊंगा या मिंगोरा को या इस एरिया को सैदो शरीफ को पहले एक्सप्लोर करना है, इसका फैसला सुबह उठ के करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है उसको लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ट्रैवलिंग की वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह, और जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अब तक रूल चल रहा है जी, भाई ने टीवी लगा दिया है, अब तक रूल चल रहा है इसके ऊपर, पता नहीं कौन सी किस्त है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कभी ये।